is the diamond ring that he gifted me. Many people are actually assuming that I am getting engaged or I got engaged. So I got engaged by my father. So basically, गुड़ी पड़वा हमारे मराठी फेस्टिवल्स में से बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल माना जाता है, जिसे हम न्यू ईयर के तौर से सेलिब्रेट करते हैं. तो एवरी ईयर मेरे डैड या फिर मैं अपने डैड को कुछ ना कुछ तो हम गिफ्ट करते हैं, जस्ट लाइक दशहरा, दिवाली, धनतेरस, ऐसे जब टाइमों में है ना, वी यूजली बाय सम गोल्ड या फिर कुछ एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करेंगे या फिर कुछ. अभी जैसे मैंने अपने इस दशहरा में आई गिफ्टेड मायसेल्फ अ वॉच. तो इस साल आई डोंट नो, डैड को कुछ लगा था कि क्योंकि मेरी जो हीरे की अंगूठी थी पहले जो मैं पहनता था, तो उसका हीरा गिर गया था. तो ही वॉज फीलिंग बैड फॉर मी एंड आई डिडंट एक्सप्रेस दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. एंड आई सेड कि इट्स ओके डैड, होता है, लाइक मे बी इट डिडंट वर्क दैट टाइम. एंड डेढ़ दो साल तक ही वॉज लाइक हैविंग द फीलिंग दैट आई शुड गिफ्ट हिम, आई शुड गिफ्ट हिम. एंड देन सडनली कल जब सुबह में गुड़ी पड़वा के दिन, मतलब एक मैं रेडी हो रहा था शूटिंग के लिए जाना था, एंड देन आई जस्ट सॉ देयर वाज अ बॉक्स इन माई बेडरूम, मेरे बेड पे रखा था. तो आई वॉज पजल्ड विद दैट कि वॉट इज देयर इन दिस बॉक्स, तो क्या हो सकता है. मतलब लाइक मैं खोलने के लिए जा रहा था एंड सडनली वहाँ से एक लाइट स्पार्कल हो गई. तो मैं लाइट देख रहा था, लाइट क्यों देख रहा हूँ, नीचे यहाँ पे आई हीरे की अंगूठी है यार. मतलब मेरे को लगा डैड ने क्या गिफ्ट किया एकदम से. सो ही जस्ट सेड दैट यू नो आई वांटेड टू गिफ्ट यू एंड आई डिडंट गेट अ चांस टू गिफ्ट यू, एंड दिस इज लाइक दिस इज द डायमंड रिंग दैट ही गिफ्टेड मी. मेनी पीपल आर एक्चुअली अज्यूमिंग दैट आई एम गेटिंग एंगेज्ड और आई गॉट एंगेज्ड. So I got engaged by my father. So ये dad और बेटे का प्यार है, and that's how he expresses his love, and that's how he showed his gratitude towards his son. And I really love him for what he has done, and I'm really, really, really thankful to him. And I didn't ask for it, but he wanted to give it to me. That's how he pampered me.